उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन आईएस इफ्तिखारुद्दीन की मुश्किलें पड़ गई हैं, क्योंकि उन पर सरकारी अधिकारी रहते हुए सरकारी आवास में धर्म परिवर्तन करवाने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। कल तक उनके कुछ सेकंड के दो वीडियो वायरल थे, लेकिन आज एबीपी न्यूज के पास इफ्तिखारुद्दीन की पूरी फिल्म मौजूद है। ये पूरा वीडियो तब का बताया जा रहा है जब वो कानपुर मंडल के कमिश्नर थे। पहली नजर में आप ये धोखा खा सकते हैं कि ये कोई मौलवी होंगे, जिनके सामने सब कुछ आया है, वो यहां से है। क्योंकि हिंदुस्तान में तेज आवाज के साथ इस्लाम के बारे में ऐसी तकरीरें अक्सर मौलवी या मौलाना ही करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शख्स उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है। नाम है इफ्तिखारुद्दीन, जो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी के चेयरमैन भी हैं। इफ्तिखारुद्दीन पर आरोप है कि वो जब कानपुर के कमिश्नर थे तो उन्होंने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। ये भी आरोप है कि धर्म परिवर्तन की तकरीरें उनके सरकारी आवास में होती थी। वायरल वीडियो में वो इस्लाम अपनाने के फायदे बता रहे हैं। वायरल वीडियो में आईएएस अधिकारी भड़काऊ तकरीर भी कर रहे हैं। सरकार चाहे मायावती की रही हो या फिर अखिलेश यादव की, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन इन दोनों ही सरकारों के करीबी रहे हैं। उनके सामने कई लोग हैं जिन्हें वो धर्म परिवर्तन की शिक्षा दे रहे हैं। अरे अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निजाम दाखिल होना है, कैसे होगा? यहाँ करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़े। 147 करोड़ मुसलमानों, खबरदार हो जाओ और समझ लो कि तुम में से सिर्फ वही बचेगा जो दावत अल्लाह का काम करेगा। इसमें 7 अरब इंसान होंगे, तो अभी कसम खाओ, अभी पक्का इरादा करो कि अभी से हम दावत अल्लाह का काम करेंगे तमाम बिरादरान दुनिया, जितने दुनिया में इंसान। अपने सामने बैठे लोगों को इफ्तिखारुद्दीन न सिर्फ भड़का रहे हैं बल्कि उन्हें डरा भी रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर वो लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे तो अल्लाह पकड़े। क्या कहना चाहे कि ये तो रसूल हमने भेजे, ये कुल के इंसानों के लिए अपना रसूल, तो क्या पता चला ये जो तुम लोग मेरे सामने 20 खड़े हो और तुम्हारे पीछे जो 147 करोड़ खड़े हैं, तुम सब लोग उस नबी की उम्मत में हो, उसकी बिरादरी में हो या उसकी कौम में हो जिसका काम 4.5 अरब लोगों तक अल्लाह की ना? अगर तुम लोगों ने यह काम ना किया तो याद रखना अल्लाह तुम लोगों को पकड़ेगा, अल्लाह तुम लोगों को पकड़ेगा जैसे असहाबे सबको पकड़ा था, और उसमें सिर्फ वही बचे थे, सिर्फ वही उम्मत बची थी जो दावत का काम करती थी। क्या पता चला ये जो तुम लोग बीच बीच में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन ऐसी तकरीरें भी करते हैं जिसमें वो कुरान की आयतें बताते हैं, बहुत तेज आवाज में बात करने लगते हैं। अल्लाह ने इसको अदम से वजूद बख्शा, ये अल्लाह को धोखा देगा, ये चालबाजी कर रहा है, ये अल्लाह को धोखा देगा, और ये जो सच्चे मोमिन है उनको धोखा देगा, जिनके सामने सब कुछ आया है, जो यहां से लेके आखिरत तक देखते हैं उनको ये धोखा देगा, आपको धोखा देगा। लेकिन इसका ब्रेन डैमेज हो गया है, इसका ब्रेन डैमेज हो गया। इफ्तिखारुद्दीन पर एक आरोप ये भी है कि वो जब कानपुर के कमिश्नर थे तो शिकायतें लेकर आने वाले गरीब लोगों पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव डालते थे। ये कानपुर के कल्याणपुर में राजकीय उन्नयन बस्ती है। कानपुर में जब मेट्रो का प्रोजेक्ट आया तो इन लोगों के घर उसकी जद में आ रहे थे। ये शिकायत लेकर तत्कालीन कमिश्नर इफ्तिखारुद्दीन के पास गए तो उन्होंने सीधे धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी। जब बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए तो फिर हम लोग जबरन उनके उसमें चले गए, 4-5 लोग अपनी फरियाद सुनाने के लिए, तो उन्होंने हमारी फरियाद सुनी नहीं,
और बस यही कह रहे थे कि क्या कहते अपना धर्म परिवर्तन करो। और कोई जात वाला बैठ जाएगा तो वो कह देगा ये बदल, तो क्या हम अपनी जातें बदलते रहेंगे, जो हैं वही तो रहेंगे। इसको छोड़ना तो दूर की बात है। हमें ये भी पता चला है कि आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर ये आरोप सही पाए गए तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। जो भी जबरन या प्रलोभन देकर के इस प्रकार के धर्मांतरण की कार्रवाई करता है, हम ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। ये जो वीडियो की बात आई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये पिछली सरकार का ही वीडियो है। तो पिछली सरकार में अफसर भी कितने बेलगाम थे जो अपने घरों में मदरसे चलाया करते थे या इस तरह के कृत्य कर रहे थे। यूपी में किसी का भी धर्म परिवर्तन करवाने के खिलाफ सरकार ने कानून बनाया हुआ है, लेकिन विडंबना देखिए कि कुछ सालों पहले तक इतना बड़ा अफसर ही इस काम में लगा हुआ था। और देखिए इस खबर पर पूरे अपडेट के साथ हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी। संजय, आपका रुख कर रहे हैं, अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट क्या है? पहले तो सिर्फ कुछ क्लिप्स आई थी, अब तो पूरी फिल्म सामने आ गई। बिल्कुल, पूरी फिल्म सामने आ गई है और मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या यूं कहें कि मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। कानपुर पुलिस ने जो वीडियो वायरल हुए थे उनकी जांच की है और उसमें ये सत्य पाया है कि ये जो वीडियो बनाए गए हैं ये कानपुर के मंडलायुक्त यानी कमिश्नर के आवास के हैं। तो एक बात तो पुख्ता होती है कि उस वक्त जब ये वीडियो बनाए गए हैं तो इफ्तिखारुद्दीन कमिश्नर थे और ये तभी के वीडियो हैं। दूसरी बात कि जो SIT जिसको जांच दी गई है, जीएल मीना जो वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, CBCID के DG हैं, वो आज कानपुर जा सकते हैं इस पूरे मामले की जांच की शुरुआत करने के लिए। क्योंकि देखिए आदर्श 7 दिन का वक्त है और काउंटडाउन आज से शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है, तो निश्चित रूप से SIT को बहुत जल्दी ये जाँच करनी होगी। इसलिए आज जीएल मीना कानपुर पहुँचेंगी और वहाँ जो तथ्य सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, उन सारे वीडियोस की पड़ताल करेंगे। दूसरी बात, पुलिस के हाथ में एक विवादित पुस्तक मिली है, देखना होगा कि आगे क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि जांच के लिए कुछ दिन का समय दिया गया है। इन दिनों में इफ्तिखारुद्दीन की मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आएंगी। ABP News आपको रखे आगे।